हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत के पासपोर्ट की इज्जत एशिया के सबसे छोटे देश से भी कम, जानिए कहां है हम। अक्सर अपने सोशल मीडिया पर यह सुना होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत का पासपोर्ट बेहद ताकतवर हो गया है, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है वो इसके उलट है। भारत के पासपोर्ट की इज्जत पासपोर्ट इंडेक्स में एशिया के सबसे छोटे देश मालदीव से भी कम है। मोदी राज में महिलाओं से दफ्तरों में बदसलूकी के मामले 54% बढ़े। योगी की यूपी का हाल सबसे खराब। कार्यस्थल और दफ्तरों में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे गंभीर है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद 6 राज्य ऐसे हैं जहां उत्पीड़न के 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में स्थिति बेहतर कही जा सकती है। देश में कार्यस्थल और दफ्तरों में महिलाओं से बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के मामले 54% तक बढ़ गए। 2014 में 371 मामले सामने आए, जो 2017 तक बढ़कर 570 पर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ का सबसे भला आदमी पॉलिटिक्स में, रुचिर गर्ग कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के सबसे शरीफ आदमी, राहुल गांधी से भी ज्यादा सीधे और सच्चे लेकिन विचारों के बेहद प्रखर, जाने माने पत्रकार, एक से एक बड़े नक्सलियों के साक्षात कर चुके, उन नक्सलियों के भी जिनकी लोकेशन तक देश की सारी खुफिया संस्थाएं मिलके पता नहीं चला पाती। रुचिर एडिटर्स गिल्ड के भी सदस्य है, लेकिन बेहद सरल इंसान है। ऐसे इंसान ने राजनीति करने का बीड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजधानी दिल्ली में अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने पार्टी की सदस्यता ली। अब मंत्रालयों में बॉस बनेंगे अडानी अंबानी के लोग, बनाना रिपब्लिक की दिशा में एक और कदम। भारत में अडानी अंबानी जैसे धना सेठों को अब सरकार में पैठ बनाने का मौका मिल गया है। मोदी सरकार ने एक कानून बदला है जिसके मुताबिक अब IAS अफसर बनने के लिए UPSC की परीक्षा पास नहीं करनी होगी, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के अफसर भी ब्यूरोक्रेट बन सकेंगे। पहली बार राहुल गांधी ने सीधे मोदी को करप्ट कहा, बोले 30,000 करोड़ रुपए दिए। राहुल गांधी ने PM मोदी पर अब सीधे करप्शन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, डेसो एविएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अनिल अंबानी को 30% हर्जाना दिया गया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या था कि रक्षा मंत्री इस समय दौड़ी दौड़ी फ्रांस गई है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर 30,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में डाले। वे देश के नहीं, अंबानी के चौकीदार है। अगर यशवंत सिन्हा का फिर मोदी सरकार पर हमला, CBI ड्रामा के पीछे राफेल की जांच से बचने का सरकार का प्रयास। यशवंत सिन्हा ने बुधवार को आरोप लगाया कि CBI में चल रहे उथल पुथल के पीछे राफेल सौदे की जांच से बचने की मोदी सरकार की प्रयास है। CBI में चल रही जंग को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है और CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज जाने को लेकर कई तरह के सवाल दाग रही है। इसी बीच CBI बनाम CBI मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी कूद पड़े हैं। यशवंत सिन्हा ने बुधवार को आरोप लगाया कि CBI में चल रहे उथल पुथल के पीछे राफेल सौदे की जांच से बचने की मोदी सरकार के प्रयास है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने CBI की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटाने का केंद्र का निर्णय अवैध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। CBI में घुसकांड, PM नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट कर यू घेरा। CBI वर्सेस CBI, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CBI की आंतरिक कलह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के वास्ते 2013 के उनके एक ट्वीट को रीट्वीट किया। सरकार के इशारे पर काम नहीं किया तो मुझे हटा दिया, कहते हैं आलोक वर्मा। सरकार की ओर से जबरन छुट्टी पर भेजे गए CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में CVC और केंद्र दोनों के खिलाफ अर्जी दाखिल की है।
वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है, सीबीसी और केंद्र दोनों ने रातों रात उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर के पद से हटाने का फैसला कर लिया। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी डीएसपीए एक्ट के सेक्शन 4B के खिलाफ है। वर्मा ने कहा है कि वह कई मामलों में ब्यौरे पेश कर सकते हैं। ये मामले बेहद संवेदनशील है, शायद इन्हीं मामलों की वजह ये हालात पैदा हुए हैं। वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई को स्वतंत्र रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये स्थिति इसलिए पैदा हुई, कई आला हस्तियों के खिलाफ जांच उस दिशा में नहीं जा रही थी जिस दिशा में सरकार चाह रही थी। नहीं मानूंगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रात 10 बजे के बाद जलाऊंगा पटाखे, कहते हैं बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसद ने कहा, हमारी धार्मिक परंपराएं और त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। मैं दिवाली पर तभी पटाखे फोड़ूंगा जब पूजा खत्म कर लूंगा। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने विवादित ट्वीट किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दिन पटाखों को जलाने के लिए रात के 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया है, लेकिन उज्जैन के बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया, मैं अपनी दिवाली परंपरागत तरीके से ही मनाऊंगा और रात में 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। करण सिंह ने छुए 20 साल छोटे योगी आदित्यनाथ के पैर। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव समेत 17 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में यानी 12 नवंबर को मतदान होने वाला है। शेष 72 सीटों में 20 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के नतीजे 11 दिसंबर को अन्य राज्य के चुनाव परिणाम के साथ ही सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार यानी 23 अक्टूबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का पर्चा भर दिया। रमन सिंह अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव में चुनाव लड़ने वाले हैं। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए रमन सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गए थे। 66 साल के रमन सिंह ने खुद से 20 साल छोटे योगी आदित्यनाथ के पैर भी छुए। इस पर योगी आदित्यनाथ ने रमन सिंह को अखंड विजय का आशीर्वाद भी दिया। अगर सीबीआई में झगड़ा, मोदी सरकार के फैसले पर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल। सीबीआई के बड़े अफसरों के बीच चल रहे झगड़े पर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने को लेकर उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो आश्चर्यचकित है कि वर्मा जैसे एक ईमानदार आदमी को शिफ्ट कर दिया गया है। अनुपमा जायसवाल का पत्र वायरल, सीधे आरएसएस को रिपोर्ट करती है योगी सरकार की मंत्री। योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस पत्र में देवरिया जिले में विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट संघ के सह कार्यवाह को संबोधित है। लेटर हेड पर 9 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनुपमा जायसवाल बीजेपी सरकार नहीं संघ को रिपोर्ट करती है। सपा व कांग्रेस के नेताओं ने इसको लेकर योगी सरकार की आलोचना की है। जानिए क्या लिखा। मोदी राज में सीबीआई हुई तबाह, कहते हैं आप। नई दिल्ली 24 अक्टूबर, आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में शीर्ष स्तर पर जारी घमासान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर देश की अग्रणी जांच एजेंसी को पूरी तरह से तबाह करने का आरोप लगाया है। आपके प्रवक्ता राघव चड्डा ने बुधवार को सीबीआई में अंतरिम निदेशक की तैनाती और निवर्तमान निदेशक आलोक वर्मा द्वारा इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने से उपजे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राफेल से घबराई मोदी शाह की जोड़ी, सीबीआई कहीं की नहीं छोड़ी, कहते हैं कांग्रेस। सीबीआई विवाद पर केंद्र सरकार की सफाई के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राफेल की फोबिया से बचने के लिए मोदी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर को हटाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की संस्थाओं को आईसीयू में धकेल दिया है, सीबीआई की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया जा रहा है। आज केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रही है। सीबीआई में मचे घमासान पर केजरीवाल ने मोदी का 5 साल पुराना ट्वीट शेयर कर साधा निशाना।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की आंतरिक कलह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए 2013 के उनके इस ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें मोदी ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर देश के खुफिया तंत्र को कथित तौर पर कमजोर करने का आरोप लगाया था। सरकार ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चलते बुधवार को छुट्टी पर भेज दिया। इस मामले में केजरीवाल ने कई ट्वीट करके सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने के मोदी सरकार के अधिकार पर प्रश्न उठाया और साथ ही संदेह जताया कि कहीं ये कदम राफेल सौदे से जुड़ा तो नहीं है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।